सीमा जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश के क्रम में IS 191 गाय के लीडर मुख्तार अंसारी के साले सर्जी रजा के सैयद बाड़ा स्थित भवन निर्माण को गंगेश्वर एक्ट की धारा 14A के अंतर्गत कुर्क किया जाता है। सुनो सुनो सुनो। सुनो सुनो सुनो। श्रीमान जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश के क्रम में IS 191 के लीडर मुख्तार अंसारी के साले सर्जी रजा के सैयद बाड़ा स्थित भवन निर्माण को गंगेश्वर एक्ट की धारा 14A के अंतर्गत कुर्क किया जाता है। सुनो सुनो सुनो। मुख्तार अंसारी के गैंग के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने IS 191 गैंग लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी और साले की गाजीपुर के सैयद बाड़ा में स्थित आवासीय भवन को मुनादी के बीच कुर्क करने की कार्रवाई की। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इसके अलावा इनका एक आवासीय फ्लैट लखनऊ के गोमती नगर में स्थित है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ बताई जा रही है। उसकी भी कुर्की की कार्यवाही के लिए जिला प्रशासन की टीम लखनऊ के लिए रवाना कर दी गई है। देखिए, जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के अनुसार आज गैंगस्टर की धारा 14 के अंतर्गत IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसान अंसारी, उसके साले सज्जील रजा और अनवर सजाद का ये जो भवन निर्माण है, जो कि सैयद बारा मोहल्ले में प्लॉट संख्या 84 और प्लॉट संख्या 85 पर स्थित है, इस भवन निर्माण को आज धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया गया है। ये प्रॉपर्टी की कुल कीमत कितनी है? जो ये भवन निर्माण है, इसका PWD की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित लागत 1,18,00,000 रुपए और इसको आज पुलिस और प्रशासन द्वारा जब्त कर दिया। वही प्रशासन की कार्यवाही को मुख्तार अंसारी के परिजनों और उनके वकीलों के द्वारा इस पूरी कार्यवाही को गलत बताया गया है, जिसके लिए उन्होंने इसका जवाब कोर्ट के माध्यम से देने की बात कही है। पुलिस ने हमको कोई जानकारी नहीं दी। हमारा ये मकान जो है हमारी बीवी नजमा खातून के नाम से बना है और सन 1984 में जब हमारे लड़के गोदी में थे उस वक्त थे, और उनको जो है ये देख करके कि वो रिश्तेदार हैं मुख्तार के, उनको गैंगस्टर एक्ट में दोनों लड़कों को डाला गया। तो एक लड़का जो है वो जो है हाईकोर्ट से उसने जमानत लिया है, उसमें क्या कहते हैं इस्टे में है गैंगस्टर एक्ट में, उसकी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है वहाँ, उसके बाद भी उसके नाम से ये कुर्क हो रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश भर के माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान के अंतर्गत जिला अधिकारी गाजीपुर ने पुलिस की आज्ञा पर 2 अगस्त को गैंगस्टर एक्ट के तहत लीडर अफशान अंसारी और साले सर्जील रजा की लगभग 2,18,00,000 की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया था। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर तहसीलदार सदर की अगुवाई में उनके आवास पर पहुंचकर 1,18,00,000 की संपत्ति कुर्क की गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।